हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। आज सुबह से ही मैंने कैमरा पकड़ लिया, सोचा आज का पूरा डे आप लोगों से शेयर करूँगा, तो फिर एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो आज ऑफ डे है, ऑफिस स्कूल सब बंद, तो ये देखिए आज का ये ब्रेकफास्ट, सिर्फ चावल की डोसा नहीं है ये, इसमें दाल नहीं डाला मैंने, चावल और क्या बोलते हैं, चावल के साथ थोड़ा सा रात की बचे हुए राइस डाल देना और इसी पेस्ट को पतला करके रख देना, तो और ऐसे ऐसे तावा में डालते रहो ना, तो इतना सुंदर सुंदर, इतना अच्छे अच्छे, मतलब बनाने में बहुत इजी लगता है। तावा में फैल के चले जाओ, तावा अच्छा होना चाहिए बस। ये तो हमारे ब्रेकफास्ट, और साथ में फ्रूट्स दूध भी खाना चाहिए। तो सोच रही हूँ ये दूँगी तो कोई 2-3 स्पून खा के छोड़ देंगे, तो इसका वो बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं, सब पी लेंगे। और बाकी देखते जाओ आप लोग पूरा डे आज मैंने कैसे स्पेंड किया। आगे बहुत सारे बहुत खूबसूरत एक पुराना ट्रेडिशनल एक रेसिपी है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और अच्छा लगता है एक लाइक देना, कमेंट सेक्शन में एक ज़रूर कमेंट डालना। और जो कोई भी नई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पास में जो बेल आइकन होते वो दबाना, ताकि वो जब मैं नई कोई रेसिपी या फिर वीडियो डालूँ या फिर ब्लॉग डालूँ, डे शेयर करूँ, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन मिल जाए, आप मेरे से जुड़ सकते हो। तो ये बिल्कुल कपड़ा वगैरह धोने धुलना हो गया, ये बिल्कुल में थोड़ा मिट्टी गिर गया क्योंकि सुबह थोड़ा गार्डनिंग किया था, तो इसको धुलना है अभी। तो ये थोड़ी पहले बाज़ार आए, सब्जी मंगा लिया मैंने थोड़ा ज़्यादा करके, क्योंकि आज का डे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसलिए सब्जियाँ मैंने दिखा रही हूँ। देखिए ये पटल है, पटल में हमेशा जब लाती हूँ ना तो इसे छील के रखती हूँ, तो 3-4 दिन बाद में भी खाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वरना क्या आता है पटल सूख जाता है फ्रिज में, फिर उसका पील करना बड़ा मुश्किल होता है। और ये बाउल है, ये मैं आज पकाऊंगी। और ये हमारे इधर रमेश बोलते हैं, तो इसे मैं काट के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह आप लोगों को पता है ना मेरा इतना शॉर्ट टाइम होता है खाना पकाने के लिए, तो जो फ्राई करूँगी तो निकलेंगे, थोड़ा सा निकलेंगे, एक आलू साथ में लगाऊंगी और फ्राई करूँगी। और ये सब आप जीप लॉक में रख सकते हैं, अब मेरा जीप लॉक सब भरा हुआ है फ्रिज में, तो इसलिए मैं एक पैकेट में रख रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन में ही खाना है। तो फिलहाल मैं ऐसे एकदम रैंडम चीज़ें दिखा रही हूँ, कोई प्रोफेशनल चीज़ नहीं दिखा रही हूँ, ऐसे ही रैंडम में जैसे रख रही हूँ फ्रिज में। और इनमें से ज़्यादा हो जाएगा आज सब्ज़ी, तो 2-4 रख दूँगी। और ये डब्बे में बहुत हफ्ते भर इतना फ्रेश रहती है। आप लोग अगर टाइम बचाना चाहते हो, और हमारे जैसे सुबह सुबह सब कुछ लगता है, अगर ऐसा किसी का घर है तो आप लोग ये टिप्स ट्राई कर सकते हो, बहुत टाइम बच जाता है, लगभग कि बहुत टाइम। मैं साथ में यूट्यूब की काम भी करती हूँ, तो और खाना खा के तो जाते वो अलग बात है, मगर टिफिन में जो लंच बॉक्स में जो चीज़ लेके जाते हैं वो फ्रेश ना लेके जाए तो ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मुझे सुबह फ्रेश चीज़ बनाना ही पड़ता है। और ये झींगे और चिचिंगे हमारे इधर तो ये सब ऐसे ही बोलते हैं, ये सब हम कागज़ में पैक करके रख रहे, थोड़ा फ्रेश रहेगा। और ये ककड़ी, जो कुकुम्बर ऐसे हम रख दो, बाहर में भी रखती हूँ मैं, क्योंकि हर वक्त में लगते हैं ना, हर 3 बार लगते हैं, तो कुछ बाहर रखती हूँ कुछ फ्रिज में रखती हूँ, तो आज ज़्यादा नहीं है, 5 ही लाए थे मैंने, 3 बाहर रख दिए और 2 को फ्रिज में रख देंगे। और इस फ्रिज से आज ये सब्ज़ी बनेगी, एक आलू और पोटल। आज शाम को मेरे हस्बैंड ने एक फरमाइश की, बाद में बोल रहे लड़की मेरी बच्चे के लिए बोला, मगर उनको खाने की बहुत मन कर रहा है, वो जो हमारे देश में बनाते थे ना थूसा चिन्नी, जिसको हम अब हम आटे या मैदे की हलवा बोलते हैं, है ना। तो मैंने बोला गर्मी तो जाएगा नहीं, क्योंकि गर्मी तो रहेगा भाई, इसकी वजह से उन्होंने कभी कुछ ज़्यादा फरमाइश करते नहीं, फिर आज किया तो मैंने जल्दी से स्टार्ट कर दिया, जो इतना सारे चीज़ थे घर में उनमें से स्टार्ट कर दिया। ये मेरे 1 कप आटा और 1 कप मैदा, 2 कप मैदा हल्के आज से ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, साथ में मैंने बिठा दिया पानी, पानी 2 ग्लास है, मैं सब अंदाज़ा से कर रही हूँ। इनमें शक्कर डाला 2 कप और
इलायची, दालचीनी और सौंफ डाल के ये पानी मैंने पूरा उबलने दिया। उबल के जैसे स्मेल आए पानी में तो उसको छान के मैं रख रही हूँ। और आगे की प्रोसेसिंग बड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि ड्राई रोस्ट होने के बाद यही असली टास्क है। देखो ये ड्राई रोस्ट हो गया, थोड़ा थोड़ा लाल हो गया। जब इस स्टेज में आप घी या ऑयल डाल सकते हैं। मैं यह एक कप घी डाल रही हूँ। मुझे लग रहा था बाद में कि और भी थोड़ा घी की ज़रूरत थी, फिर भी हो गया। बट और थोड़ा घी होते तो और भी अच्छा होते। तो घी डालने के बाद सारी चीज़ों में आटे में मैंने ऐसे लगा दिया। फिर वो भी असली बारी है क्योंकि सब गर्म है। पानी भी उधर में छान के फिर से सिम में रख दिया। खुलता हुआ पानी होना चाहिए। अब मैं इस स्टेज में मैं डाल रही हूँ किशमिश और फिर धीरे धीरे पानी देते ही एक हाथ में कैमरा रख के और एक हाथ में ये सब करना नहीं जा रहा था, फिर भी मैंने किया। चीज़ थोड़ा ही था तो मैंने धीरे धीरे पानी ऐड किया, मगर सारे पानी मेरा वो मेज़रमेंट एकदम सही था तो सारे पानी लग गए और इतना अच्छा हलवा बना। तो ये आप लोग ट्राई कर सकते हो। बचपन में हम लोगों ने बहुत खाते थे क्योंकि ये सब घर में नहीं बन मम्मी लोग नहीं बनाते थे, किसी मर्द लोगों से बनाया जाता है जैसे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए ऐसे। आजकल कहाँ कोई किए ये सब बनाते हैं। तो हस्बैंड की फरमाइश ये बनाया, मगर मुझे भी काफ़ी दिनों से ये खाने के मन कर रहा था। तो ये आप लोग ज़्यादा करके नहीं थोड़ा करके ट्राई कर सकते हो, बहुत मज़ेदार बनते। फिर आप किसी भी स्क्वायर या फिर डायमंड या फिर किसी भी बर्तन में रख कर इसका शेप दे सकते हो, काफ़ी अच्छा हलवा बनते। तो मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया थोड़ा टाइम और फिर एक स्क्वायर कंटेनर में इसको डाल दिया। फिर इसको काट के खाओ या ऐसे ही रख दी थी, मैंने तो काटा नहीं, ऐसे ही रख दिया। सब ने थोड़ा थोड़ा खाया, बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है क्योंकि ज़्यादा कुछ फरमाइश करते नहीं है और किया तो मैंने लग ही गया। चलो उसकी वजह से हमारा भी खाना बना है। तो ये मतलब कि आज का दिन ऐसे स्पेंड किया हम लोगों ने, कैसा लगा बोलना ज़रूर। बहुत दिनों से सोच ही रही थी कुछ हलवा। मैं तो प्रॉपर रेसिपी को भी, चलो कोई आ गया, प्रॉपर रेसिपी को भी देती नहीं हूँ, मगर इस पर शायद हो पाया मुझसे एक रेसिपी, क्योंकि मेरा चैनल तो रेसिपी चैनल नहीं। तो ये था आज का दे मेरा, कैसा लगा बोलना ज़रूर। विदा ले रही हूँ, अल्लाह हाफिज़।